इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है दी अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। सभी लोगों की दुआ थी कि भाजपा के महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव न आए। दुआ काम आई और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। रिपोर्ट नेगेटिव आते ही भाजपा व तमाम पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने राहत की सांस ली है। इसका कारण यह है कि पिछले कुछ समय में मुकेश सिंघल जनसेवा करने के दौरान तमाम भाजपा पदाधिकारी पुलिस व प्रशासनिक अफसरों के संपर्क में आए थे। दरअसल बीते 21 अप्रैल को लिसाड़ी गेट के अहमदनगर में 4 लोगों के कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई थी। इसके कुछ देर बाद ही टीपी नगर थाना क्षेत्र के मुल्तान नगर साबुन गोदाम निवासी राकेश शर्मा के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आ गई थी। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही पता चला कि राकेश शर्मा का पुत्र भाजपा के महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल का PSO है, सभी के हाथ पांव फूल गए। PSO बीते दिन से बुखार होने के बावजूद लगातार मुकेश सिंघल के साथ रहा। पूरे परिवार को आइसोलेट करने के बाद जब सभी का सैंपल लिया गया तो PSO विभांशु वशिष्ठ व उसका भाई भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि पिता पहले ही पॉजिटिव पाए जा चुके थे। इस खबर ने भाजपा पदाधिकारियों व पुलिस तथा प्रशासनिक अफसरों में खलबली मचा दी। मोदी के नाम पर चलाए जा रही रसोई भी तुरंत बंद करा दी गई। इसके अलावा मुकेश सिंघल जहां जहां गए थे उन इलाकों पर भी संकट गहरा गया। एक दिन पहले ही सरस्वती लोक में पूर्व विधायक अमित अग्रवाल के साथ जाने के कारण अब मुख्य गेट को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया है। CMO डॉक्टर राजकुमार का कहना है कि मुकेश सिंघल की चैन काफी लंबी हो सकती है। इस खबर में आज इतना ही। खुद का बेहद ख्याल रखें। समझ जाइए कि कोरोना वायरस जाति, धर्म और मजहब के अलावा व्यक्ति का प्रभाव भी नहीं देखता है। इससे बचने का तरीका यही है कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें। थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथ अपने धोते रहें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।